महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से अब तक 187 लोगों की गई जान। मुंबई में आज सामने आए 66 नए केस। महाराष्ट्र में 2916 हुए कोरोना के मामले। मुंबई में 1816 लोग कोरोना से पीड़ित। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पहुंची भीड़ पर उद्धव सरकार की सख्ती। लॉकडाउन तोड़ने पर हजारों के खिलाफ केस दर्ज। 21 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रहेगा मजदूरों को उकसाने का आरोपी विनय दुबे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। मुंबई में एक ट्रक में सवार थे 20 लोग, पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में दी कई छूट। खेतों में कामकाज कर सकेंगे किसान। एपीएमसी समेत सभी मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद फरोख्त की इजाजत। ई कॉमर्स कंपनियां सभी सामानों की कर सकेंगी होम डिलीवरी। मिठाई और स्नैक्स की दुकानों को भी छूट। उद्धव ठाकरे को ममता बनर्जी ने दिया मदद का भरोसा का। कोरोना को लेकर नहीं होनी चाहिए मजहबी सियासत। पुणे से मध्य प्रदेश के लिए निकला 150 मजदूरों का जत्था। काम बंद होने से परेशान। पुणे के व्यापारियों की शिकायत, पुलिस वाले करते हैं परेशान। अब नहीं करेंगे मजदूरों की मदद। पुणे में मजदूरों के लिए 14 शेल्टर होम है जिसमें 2000 मजदूर रुके हैं। व्यापारियों के मुताबिक पास के लिए पुलिस करती है परेशान। अब मजदूरों के लिए नहीं पहुंचाएंगे खाना। महाराष्ट्र के बुलढाणा में 4 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। अब तक सामने आ चुके हैं 21 मरीज। लातूर के निजी अस्पताल में डॉक्टर बिना पीपी सूट कर रहे हैं महिलाओं की डिलीवरी सुरक्षा की जताई चिंता। औरंगाबाद में बिना मास्क पहने घर से निकलने वालों से वसूला जा रहा है जुर्माना। 177 लोग भर चुके 90,000 का जुर्माना। वाशिम में ऑर्केस्ट्रा से जीवन यापन करने वाले नेत्रहीन लोगों ने अपनी सीमित आमदनी में लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों की मदद। बारामती लॉकडाउन के बीच टूटा शराब की दुकान का ताला। 8 लाख की शराब चोरी। 310 अंकों की गिरावट के साथ 30,779 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 68 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद। मार्च में महंगाई दर घटकर 1% हुई। फरवरी में 2.26% थी थोक महंगाई दर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कच्चे तेल की डिमांड में रिकॉर्ड गिरावट की जताई आशंका। अप्रैल में रोजाना 9.3 मिलियन बैरल घट सकती है मांग। लॉकडाउन ने ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री को दिया बूस्ट। ई लर्निंग क्लासेस के रजिस्ट्रेशन में 100 गुना बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मुंबई में मजदूरों के जमावड़े का सच सामने आ रहा है। ये दो वीडियो हम आपको जो दिखाने वाले हैं, विनय दुबे आखिर कौन है जिसे हिरासत में लिया गया मजदूरों को उकसाने के आरोप में। देश में इस वक्त अगर कोई राज्य कोरोना की भयंकर महामारी झेल रहा है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी खासकर मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 के पास पहुंच रहा है। यहां कोरोना की दहशत इस कदर है कि लोग खुदकुशी पर आमादा हैं। और इसी बीच मुंबई में एक बहुत बड़ा कांड हो गया जो कोरोना की जंग में पलीता लगाने जैसा है। जी हां, मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुटती है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, ठाणे और मुंब्रा में भी सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर निकल आते हैं। अब सवाल यह है कि इन मजदूरों ने लॉकडाउन क्यों तोड़ा? क्यों मुंबई से लेकर मुंब्रा तक लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या मजदूर किसी के कहने पर एक साथ बाहर निकल आए? क्या मजदूरों को किसी ने भड़काया? आज पूरा देश डर रहा है।
आखिर कोरोना की जंग कैसे जीती जाएगी? हम आपको मुंबई से लेकर मुंब्रा तक लॉकडाउन तोड़ने वाले मजदूरों का वो सच दिखाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपको मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जुटी भीड़ का एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो से कहानी कुछ हद तक साफ होती दिखाई देती है कि कैसे प्रवासी मजदूर इतनी बड़ी तादाद में एक साथ इकट्ठा हो गए। ये कुछ डिसाइड हुआ क्या? नहीं, कोई आ रहा क्या? नहीं बोला था, मीडिया वाला आने वाला है, पुलिस वाला भी। टाइम दिया था क्या? हाँ, 4 बजे। 4 बजे तो अभी से खड़े हो गए तुम लोग, बहुत बहुत जल्दी खड़े हो गए। क्या करेंगे अभी? काई के लिए, वो गांव जाने के लिए। हाँ तो खाना पीना नहीं चाहिए हम लोग गाँव। हाँ तो एक ही बात कर रहे हैं, सब मिल के करो, बस करो। इसकी उसकी सुनने का नहीं, डायरेक्ट बोल रहे हैं, हमारे में हमारी कोई सुन नहीं रहा है। गाँव जाने का नहीं तो बोलना भाई, एक एक को 15,000 दे दो, बोलना हम लोग यही रहते। ऐसा बोलना है डायरेक्ट, बोलना एक एक को 15,000 दो, हम लोग यही रहते। नहीं तो बोलना गाँव जाने का, गाँव भेज दो, बोलना बात कर। पैसा दे दो, बोलना पैसा देगा नहीं, पैसा देने के लिए आधार कार्ड जमा करो, फोटो भेजो, खड़े हो जाओ, देगा खुद ही आके देगा हाथ से। लेकिन इस वीडियो से ये साबित नहीं होता कि ये भीड़ किसके बुलावे पर यहाँ आई है। लेकिन इस वीडियो से ये जरूर समझ में आ जाता है कि सारे मजदूरों को 4 बजे यहाँ जुटना था। पुलिस ने इस भीड़ पर लाठीचार्ज किया और भीड़ को किसी तरह से भगाया, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों पर तगड़ी सियासत शुरू हो गई और इसके पीछे साजिश की बू भी आने लगी। ऐसे में एक विनय दुबे नाम के शख्स का वीडियो सामने आता है। हम आपको विनय दुबे की पूरी हकीकत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि वो अपने वीडियो में क्या कह रहा है। जिस तरह से बिना सोचे समझे, बिना गरीबों और मजदूरों का जीवनों का मूल्यांकन किए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, 3 घंटे का समय देते हैं और पूरे देश को लॉकडाउन की स्थिति में झोंक देते हैं, उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि एक गरीब तबका जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, वो कैसे जीवन यापन करेगा। कोई भी प्लानिंग नहीं, कोई भी व्यवस्था न होने के बावजूद लॉकडाउन में भारत को झोंक दिया जाता है, लोग उसको भी मंजूर कर लेते हैं। मोदी जी कहते हैं कि आप ताली बजाओ, लोग ताली बजाते हैं। मोदी जी कहते हैं आप दिया जलाओ, लोग दिया जलाते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति है इन मजदूर भाइयों की, खास करके जो गरीब तबका है, जो महाराष्ट्र मुंबई में फंसा हुआ है, कोई इलाज कराने के लिए आया था, कोई अपने रोजगार के चलते यहाँ पे आया था, आज उनकी जेबें खाली हैं। कितना दिन आदमी सर्वाइव कर सकता है? आज उनके घर पे राशन नहीं है, भुखमरी की स्थिति है। इन्हीं लोगों को अपने देश, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश या अपने परिवार के बीच जाना चाहते हैं। विनय दुबे सीधे सीधे मजदूरों को भड़का रहा और उनको अपने अपने गांव भेजने की बात कर रहा है कि 14 तारीख को लॉकडाउन की स्थिति खत्म हो रही है, उसके बाद कृपया करके महाराष्ट्र मुंबई पुणे नासिक ये इलाकों से 2 से 3 दिन के लिए रेलवे जो ट्रेनें हैं, अनारक्षित ही सही, वो छोड़े, ताकि वो उत्तर भारत की तरफ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जाके जो मजदूर हैं अपने घर पहुंच सके, अपने परिवार के बीच पहुंच सके। वहां जाने के बाद भले इन लोगों को 14 दिन के लिए गांव में प्रवेश न दिया जाए, उनको 14 दिन के लिए अस्पतालों में या फिर वहां के नजदीकी स्कूल में, वहां पे इनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, ये चलेगा। लेकिन कम से कम अब स्थिति ऐसी है कि इनको यहां से अपने गांव, अपने परिवार के बीच जाना है, क्योंकि यहां पे ये रहेंगे तो कोरोना से न मरे लेकिन भूखमरी से ये जरूर मर जाएंगे। विनय दुबे ये भी कहता है कि अगर सरकार ने इन मजदूरों को उनके घरों पर नहीं भेजा तो वो पैदल ही मजदूरों को लेकर निकल जाएगा और 20 अप्रैल के आसपास पैदल यात्रा पर निकलेगा। और अगर ये चीजें नहीं हो पाती हैं, बस की परमिशन नहीं मिलती है, रेलवे नहीं चल पाती है, तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आगामी 14-15 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। इन मजदूर भाई सारे इंतजार करेंगे और अगर इस पे कोई ठोस कार्यवाही या ठोस निर्णय सरकार नहीं ले पाती है तो मैं विनय दुबे इस पूरे मजदूरों का, हजारों और लाखों की संख्या में जो मजदूर महाराष्ट्र मुंबई में फंसे हैं, उनको लेके उत्तर भारत की तरफ पैदल यात्रा पे मैं निकलूंगा।
अंदाजन 20 तारीख के आसपास ही हम पैदल यात्रा पे यहाँ से निकलेंगे। जिस तरह से दिल्ली से हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां से पैदल अपने उत्तर प्रदेश बिहार पहुंचे हैं, उसी तरह से अब हमारे पास यही रास्ता बचता है। विनय दुबे चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि अगर मजदूरों के राज्यों की सरकारें उन्हें नहीं लेती हैं, तो वो बड़ा मजदूर आंदोलन होगा। आपके पास रेलवे है, खड़ी है, ऐसे कुछ व्यवस्थाएं करें, स्वास्थ्य सुविधाएं, चेकअप करें लोगों का, कि उनको पहले स्क्रीनिंग कर लिया जाए, कोरोना टेस्ट करके ट्रेनों में बैठा जाए, और जहां पे भी उतर रहे हैं अपने गांव में उनको डायरेक्ट ना भेज के वहां पे उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए। ये उनको मंजूर है, लेकिन यहां पे तिल तिल रह के अपने एक 10x10 के रूम में 15-15 लोग सोए हुए हैं, वो ऐसे ही मर जाएंगे भुखमरी से। अब मुंबई पुलिस ने विनय दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 3 FIR दर्ज की है। पहली FIR बांद्रा स्टेशन के बाहर खड़ी अज्ञात भीड़ पर, दूसरी FIR विनय दुबे के खिलाफ और तीसरी FIR फेक न्यूज चलाने वाले एक पत्रकार पर है। विनय दुबे पर लॉकडाउन के बीच लोगों को गुमराह करने का आरोप है। बांद्रा स्टेशन पे हुई वारदात में मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में अभी तक 3 अलग अलग ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं। जो भी वीडियो और वहाँ पे जो जानकारी सामने आई है उसके बारे में पुलिस और तहकीकात कर रही है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक इसमें से 3 में से एक ऑफेंस में विनय दुबे नामक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है और उसकी 21 तारीख तक माननीय न्यायालय ने हमें हिरासत दी है और आगे की जांच इसमें चल रही है। विनय दुबे के फेसबुक अकाउंट से जानकारी मिली है कि वो नवी मुंबई का रहने वाला है। उसने खुद को कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता बताया। विनय दुबे के कई राजनीतिक पार्टियों से भी कनेक्शन बताए जा रहे हैं। सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज। वही मजदूरों के जमावड़े पर अब सियासत भी तेज हो गई है। हम आपको दिखाते हैं बांद्रा स्टेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ जुटी तो इस पर राजनीति तगड़ी हो रही है। मजदूरों ने लॉकडाउन मुंबई में तोड़ा और भड़काऊ ट्वीट दिल्ली से होने लगे। जी हां, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मजदूरों की इस भीड़ पर सवाल उठाते हुए लिखा कि अगर घर जाने वाले मजदूरों की ये भीड़ है तो उनके पास थैले और बैग क्यों नहीं है? भीड़ जामा मस्जिद के सामने क्यों है? महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन पहले ही घोषित था, फिर हंगामा क्यों? ये साजिश है। इस पर संजय राउत ने जवाब देते हुए लिखा, कोरोना की जंग में जिस वक्त लोगों को एक साथ आने की जरूरत है, लेकिन कपिल मिश्रा जैसे लोग जो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते, वो इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई पुलिस को इस पर FIR दर्ज करनी चाहिए। चलिए अब आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं, जहां बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की ये भीड़ उमड़ आई, वहां की हकीकत क्या है। इस वक्त हम मुंबई के सबर्बन इलाके बांद्रा में मौजूद हैं। ये वही इलाका है जहां कल हजारों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स जमा हो गए थे और मुंबई पुलिस के लिए सरदर्द का सबब बन गए थे। अब कल जो घटना हुई वो एक बार फिर से दोबारा न दोहराई जाए, ये राज्य सरकार के लिए, मुंबई पुलिस के लिए और बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब ये चैलेंज क्यों है, खास करके इस इलाके में ये इतना बड़ा चैलेंज क्यों है, मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूं। मुंबई के सबर्बन इलाके बांद्रा में इस वक्त मैं मौजूद हूं। बांद्रा पश्चिम ये इलाका है। सबसे पहले आपको पूरा इलाका मैं दिखाता हूं और फिर उसके बाद समझाता हूं कि मुश्किलात कहां है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं बांद्रा रेलवे स्टेशन में। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं ये बांद्रा रेलवे स्टेशन है। इस वक्त अगर मैं देखूं तो यहां पर अच्छी खासी संख्या में मुंबई पुलिस का यहां पर जमावड़ा है, क्योंकि यही इलाका है जहां पर कल हजारों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स जमा हो गए थे। इसी को देखते हुए आज अच्छा खासा यहां पर पुलिस प्रेजेंस नजर आता है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में ये बड़ी मस्जिद है, ये सुन्नी जामा मस्जिद है बांद्रा वेस्ट की। अब यहां भी अच्छा खासा पुलिस प्रेजेंस इस वक्त नजर आता है, पुलिस की गाड़ी यहां पर मौजूद है। ठीक इस मस्जिद के बगल में अब आप देखेंगे जो स्लम कॉलोनीज हैं वो शुरू हो जाती हैं। ये वही स्लम कॉलोनी है जहां हजारों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स
रहते हैं। ये तमाम माइग्रेंट वर्कर्स वो हैं जो देश के अलग अलग इलाके, अलग अलग स्टेट्स, चाहे वो यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, वहां से आके यहाँ पर रहते हैं। मुंबई के मजदूर कांड पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अशोक चव्हाण ने रेलवे को कटघरे में खड़ा किया। ये बात वायरल हो गई कि भाई ट्रेन चलने वाली है 14 तारीख से, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने 13 तारीख को अनाउंसमेंट करने के बाद में रेलवे डिपार्टमेंट का लेटर जारी होता है 14 तारीख का, इससे बड़ी हलबल हलचल हो गई और ये लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर बड़ा मुश्किल हो गया कंट्रोल करना। महाराष्ट्र की एक सच्चाई ये भी है कि कई जगहों से मजदूर पलायन कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कल्याण में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नजारा, ये ईंट भट्टी में काम करने वाले मजदूर हैं जो करीब यहाँ से कल्याण से सरल गांव की तरफ जा रहे हैं। 50 किलोमीटर का जो सफर है वो पैदल तय करेंगे, अपने सर पर ये बोझा उठाकर, अपने कंधे पर अपने बच्चों को उठाकर। ईंट भट्टी में काम बंद हो गया है, उस वजह से इन्हें वहाँ पर कोई पगार भी नहीं मिल रही थी। कुछ हफ्तों से लॉकडाउन के बाद काम बंद हो गया और जिसके बाद से ये लोग यहीं पर रुक गए हैं। वैसे देश भर में मजदूरों के पलायन पर सियासत तो चल ही पड़ी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आखिर हर बार हर विपत्ति गरीबों और मजदूरों पर ही क्यों टूटती है, उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर फैसले क्यों नहीं लिए जाते, उन्हें भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया जाता है। लॉकडाउन के दौरान रेलवे टिकटों की बुकिंग क्यों जारी थी, स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम क्यों नहीं किया गया। दिव्येश सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। लॉकडाउन की सबसे गहरी चोट प्रवासी मजदूरों और बेघरों पर पड़ी है। मुंबई के लोग एक दूसरे की मदद के लिए जाने जाते हैं, वो मुंबई कर जो गरीबों की मदद कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। काल में लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं बेघर और मजदूर लोग। ऐसे लोगों की मदद करने की सामर्थ्य रखने वाले मुंबईकर आगे आ रहे हैं। बांद्रा का मद्रास जेरीज नाम का रेस्टोरेंट लॉकडाउन के बाद से ही बंद पड़ा है, लेकिन यहाँ का स्टाफ जरूरतमंद लोगों के लिए खाने के पैकेट तैयार करता है। So actually after the lockdown I came across a post and there I saw some migrant workers with their children and the children were eating mud and grass and that absolutely brought tears to my eyes and my daughter immediately sprung to action. She said, Mama, we have some biscuits, whatever we have in the house, you must go and give them. So it started on a very small scale with us making 100 meals a day from Madras Diaries and our staff going and distributing it to all the poor and homeless in and around Bandra. And after that, the movement got bigger and bigger. And then I got a call from a friend one day that there are a lot of migrant laborers on the Western Express Highway, Eastern Express Highway, and let's start a bigger drive. शुरुआत में ये रेस्टोरेंट खाने के सिर्फ 100 पैकेट ही बना रहा था, लेकिन अब वॉलंटियर्स की मदद से खाने के 20,000 से ज्यादा पैकेट यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। खाना बनाने में ये रेस्टोरेंट अकेला नहीं है। वर्ली के ब्लू सी बैंकेट को लीजिए, जो कि देश की एक बड़ी बैंकेट चेन है। इन्होंने अपने बैंकेट हॉल को एक लाइव किचन में तब्दील कर दिया है और यहाँ फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और बेघर लोगों के लिए खाना तैयार होता है। आज तक इनकी लाइव किचन में पहुँचा तो देखा कि यहाँ 30 से ज्यादा वर्कर काम में लगे हैं और कोरोना का संक्रमण ना फैले इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मजदूर
मजदूर और बेघरों पर कोरोना की गहरी मार पड़ रही है, लेकिन उनकी पीड़ा समझने वाले मुंबई कर भी यहाँ है। Came to a standstill. We thought that this is the right moment to support the country and for the people who are stuck on the roads. The heroes of Bombay, of Mumbai, which are the police, the BMC hospitals, which are taking care, we should supply food for them. So we started off by giving them food on our own, and after that, looking at a good work, a lot of NGOs and a lot of people supported us. So we are working with NGOs like UWA. NAB, the National Association of Blind, Project Mumbai, to supply food all across Mumbai. The government and the police has supported us a lot in this whole venture, and they come and pick up food for the police as well as the hospitals. They have given us VST, AC VST buses to pick up foods. So that it's been a big support from the government and the Maharashtra police. सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से लगा हुआ है, लेकिन मुंबईकर भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि उनकी गलियों में कोई भूखा ना सोए। तनुश्री पांडे, आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही।